हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेल्यूमेड इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से 10 इंपॉर्टेंट काम है जो कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के तुरंत बाद करने चाहिए। कितने भैया? 10 इंपॉर्टेंट काम जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के तुरंत बाद आप करेंगे। सो फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं कि भाई साहब ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो हमें करने चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, क्रिएट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। क्या करना है? सबसे पहले भाई साहब अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बनाना है आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो इसलिए मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे ले चलता हूँ भैया। ये आ गए हम जीएसटी पोर्टल पे। इससे पहले भैया जीएसटी से हमारे पास एक मेल आता है जो कि डिपार्टमेंट हमें कहता है भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएसटी फैमिली के अंदर। तो ये जीएसटी फैमिली हमने लिखा और यहाँ पर देखेंगे आप तो 1 जून को मैंने एक जीएसटी नंबर मेरे पास आया था, उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। तो जीएसटी फैमिली में भाई साहब आपका स्वागत है, आपको बहुत अच्छा सा फील होगा। यहाँ पे आपके पास आपका जीएसटी नंबर जो आपको मिला है, जो आपको जीएसटी नंबर मिला है प्लस जो उसका पासवर्ड है, वो दोनों आपको भाई साहब यहाँ पे मिलेंगे। इसका यूज़ करते हुए जो है हम जीएसटी पोर्टल पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। तो अभी के लिए मेरा जो यूज़र नेम है वो क्या है, अभी के लिए जो मेरा यूज़र नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जीएसटी नंबर, पासवर्ड भाई साहब आपके सामने लिखा हुआ जो उन्होंने की डिज़ाइन करके हमको भेजा है, इसको हम चेंज कर लेंगे, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड हम इस पर बना लेंगे। तो ठीक है भैया, यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट टाइम लॉगिन। कौन सा ऑप्शन मिलेगा भैया? फर्स्ट टाइम लॉगिन। हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना सर। यहाँ पे वो कहेगा कि आपकी जीएसटी नंबर आईडी और पासवर्ड बताओ। तो कौन सी आईडी में डालना पड़ेगी, ये जो जीएसटी नंबर मेरे मेल पे आया है ये मैंने यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पे भैया सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद पासवर्ड भी मैंने कॉपी करा और आई थिंक पेस्ट होता है नहीं होता देख लेते हैं। ये पेस्ट करा पर पेस्ट नहीं हुआ क्योंकि पासवर्ड पेस्ट होते नहीं है, तो हम इसको मैनुअली फिल कर लेंगे एक बार। देखते हैं हमने सही डाला कि नहीं डाला। सो जो यूज़र आईडी, जीएसटी नंबर आपका, पासवर्ड जो आपके पास आया है आप उसको डालते हुए क्या करेंगे भैया, लॉगिन कर देंगे। तो हमने जैसे ही लॉगिन किया तो अभी हमसे कहेगा कि अपनी यूज़र आईडी बना लो भाई साहब नया वाला। तो नया यूज़र आईडी, नया पासवर्ड आप बना देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू चूज़ अ न्यू यूज़र नेम, यूज़र नेम शुड बी ऑफ 8 to 15 कैरेक्टर्स विच शुड स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। स्टार्ट भाई साहब किससे होना चाहिए? अल्फ़ाबेट से। शुड कंप्राइज ऑफ अल्फ़ाबेट एंड कैन कंटेन नंबर स्पेशल करेक्टर डॉट अंडरस्कोर और हाइफन। आप इन चीज़ों का यूज़ करते हुए भाई साहब अपनी यूज़र आईडी बना लोगे। तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं यूज़र आईडी भैया, वो आपकी इच्छा है जो आप जो भी बनाओ या आपको आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंगली जो शूट करे, ठीक है। पासवर्ड आप बना लोगे साहब, पासवर्ड भी लिखा हुआ है 8 करेक्टर का होना चाहिए, 1 अपर केस 1 लोअर केस 1 नंबर। इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हुए बुलाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा लोअर केस, नंबर, अपर केस, सिंबल, मिनिमम लेंथ, वैलिड पासवर्ड, ये सब होना चाहिए उसका। तो हम ये क्रिएट कर लेते हैं भैया, ये हमने कर दिया सबमिट। जैसे सबमिट किया तो अपने भैया यूज़र आईडी और लॉगिन आईडी जो है वो बन चुका है, ठीक है। अगेन हम इसको लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद हम अपना दूसरा काम देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो भैया क्या है, यूज़र आईडी पासवर्ड हमने बना लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, ऐड योर बैंक अकाउंट डिटेल ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पर जाकर आप अपनी बैंक डिटेल को ऐड करेंगे। तो हम आ जाते हैं पोर्टल के ऊपर द्वारा, जो हमने बनाया था अपना यूज़र आईडी पासवर्ड हम उसको डाल देंगे यहाँ पे। ये हमने लॉगिन करा, लॉगिन करते भैया अपना तुरंत लॉगिन हो गया। ये आ जाता आपके पास कोर बिजनेस सिलेक्शन के, आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस सेक्टर हो। आप अगर इसको अभी फिल नहीं करना चाहते हो आप एस्केप की का प्रयोग कर लोगे। एस्केप की से हमने इसको गायब कर दिया भैया। यहाँ पे लिखा रहा है लास्ट 5 रिटर्न पीरियड, तो यहाँ पे लिखा रहा है नॉट रजिस्टर्ड। तो अपने को रिटर्न फाइल नहीं करनी, मई तक हम रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो कब हुआ है, 1 जून को हुआ है। कब हुआ है भाई साहब, 1 जून को हुआ है। इसके बाद आप आएंगे, आप अपनी सर्विसेज के अंदर आप आएंगे और क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन में आने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी बैंक डिटेल्स को यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देंगे। किसको मेंशन करोगे साहब, अपनी बैंक डिटेल्स को मेंशन करोगे। बैंक डिटेल्स को मेंशन करने के लिए आपको कैसा आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, देन अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स। आपको कौन से किस में आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, देन अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड।
तो हम इसमें रजिस्ट्रेशन में आएंगे, अमेंडमेंट के अंदर हम आ जाएंगे। अमेंडमेंट के अंदर आने के बाद आपको आना है बैंक अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपके पास है भैया, बैंक अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको बैंक फिल करना। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि कौन से बैंक की डिटेल फिल करें। तो भैया अगर प्रोपराइटर वाला केस है तो आप सेविंग अकाउंट की भी डिटेल फिल कर सकते हो, और अगर आपका प्रोपराइटर के केस के अंदर करंट बैंक अकाउंट है तो करंट बैंक की डिटेल कर सकते हो। करंट बैंक को ओपन करने के लिए आपका जो क्लाइंट है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, देन उसके बाद जो है वो बैंक में जाके अपने अकाउंट को ओपन करवाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप लेते तुरंत पहले मेंशन करें, बट आप जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपने क्लाइंट को दे दोगे, देन उसके बिहाफ पे वो करंट अकाउंट खुलवा लेगा। वो करंट अकाउंट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो या चाहो तो सेविंग कर सकते हो, बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो करंट अकाउंट ही मेंशन करना पड़ता है, और करना चाहिए भी भाई। सेविंग में कौन ट्रांजेक्शन करता है, बट डिपेंड करता है कि आप किस में ट्रांजेक्शन अपने कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने आपको अकाउंट मेंशन करने हैं आप उतने नंबर लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 जितने, हमने अभी 1 लिख दिया। ऐड न्यू करोगे आप, ऐड न्यू करेंगे आप, देन उसके बाद क्या होगा भाई साहब, अकाउंट नंबर डालना है, टाइप ऑफ अकाउंट डालना है, और डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे जो है वो फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक हैविंग नेम ऑफ टैक्स पेयर। अगर सेविंग अकाउंट है तो आप उसका कैंसिल चेक दे सकते हो जिसमें कि टैक्स पेयर का नाम भी होना चाहिए। अगर करंट अकाउंट है तो आपकी फर्म का नेम होगा, क्योंकि क्योंकि अगर प्रोपराइटरशिप को अगर अप्लाई करते हो तो आपका जो लीगल नेम होता है वो प्रोपराइटर का पेन के ऊपर जो नेम लिखा होता है वो। अगर आप अदर देन प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप या कंपनी है, तो उसमें जो लीगल नेम होगा वो कौन सा होगा, जो उस पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के पैन कार्ड के ऊपर लिखा होगा। सो यहाँ पे अगर आप करंट अकाउंट को अपलोड कर रहे हो तो करंट अकाउंट वाले केस के अंदर आपका फर्म का नेम आ जाएगा कैंसिल चेक के ऊपर। अगर आप मान लो सेविंग अकाउंट कर रहे हो तो सेविंग अकाउंट के केस में आपका प्रोपराइटर का आप जो कैंसिल चेक यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अभी मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है, क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैंने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसकी कॉपी भैया क्लाइंट को दे दी है, वो उसके बिहाफ पे करंट अकाउंट को ओपन करेगा, देन मैं उसके बाद इसको अपलोड कर दूंगा। प्रोसेस यही है, आपने अकाउंट नंबर डालना है, टाइप ऑफ अकाउंट, बैंक का आईएफएससी कोड, और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे इसमें से कोई भी चीज़ लेके अपलोड कर दोगे, देन सेव कंटिन्यू करोगे, और वेरिफिकेशन में आने के बाद इसको आप वेरीफाई कर दोगे, मतलब एक ओटीपी आएगा और आपकी बैंक की डिटेल हो जाएगी भैया अपलोड। तो ये आपका जो था वो सेकंड काम था जो आपको जरूर करना ही है। अपने थर्ड काम के ऊपर हम आ जाते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट जो हमें काम करना है वो क्या करना है, डाउनलोड जीएसटी सर्टिफिकेट। क्या करना है भैया, डाउनलोड जीएसटी सर्टिफिकेट। तो फिर चलो भैया पोर्टल के ऊपर सर्विसेज में आओ, सर्विसेज में आने के बाद यूज़र सर्विसेज, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट्स। कौन सा, व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। आप सर्विसेज के अंदर आएंगे भैया, सर्विसेज में यूज़र सर्विसेज, व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट्स, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। एंड देन क्लिक करने के बाद क्या होगा भैया, आपके पास आ गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको आरसी भी बोल देते हो। डेट ऑफ इशू 1/6, डाउनलोड कर सकते हो भैया आप इसको। डाउनलोड करके मैं इसको एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज़ है वो सर क्या है, वो है भैया कि आपको जीएसटी नंबर आपको मिला कब है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी। क्या देखना आपको, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपको जो है रिटर्न फाइल करनी है। मान लो अगर ये 31 मई को मिला होता, अगर ये 31 मई को मिला होता तो मेरे को मई की GSTR 3B और IFF या GSTR 1 जो भी आपके केस में अप्लाई होता है वो आपको फाइल करना पड़ता, चाहे वो नील का करना पड़ता पर करना पड़ता। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ वैलिडिटी देखना बहुत जरूरी है कि हमें जो है रजिस्ट्रेशन कब इशू हुआ है। तो भैया अपने को 1 जून को हुआ है, सो इसलिए जो अपना लास्ट पीरियड लिखा रहते 5 रिटर्न के, वहाँ पे लिखा रहा था नॉट रजिस्टर्ड। सो जून से अपने ऊपर जो है लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। सो ये भैया पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपका ऑफिस का नाम भी लिखा होगा, ज्यूरिडिक्शनल ऑफिस भी लिखा होगा, तो सारा कुछ ही आपका लिखा होगा। साथ के साथ भैया आपके एडिशनल प्लेस वगैरह होंगे तो वो भी लिखे होंगे, 3 पेज का होता है, और 3rd पेज में जो है प्रोपराइटर एंड पार्टनर्स की फोटोज वगैरह वो सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल होगी। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको निकाल के रख लेनी है, और प्रिंट आउट करके भाई साहब अपने कंप्यूटर के आगे भी लगा के रख लेना, जिससे कि आपको कभी भी अगर कोई डॉक्यूमेंट चेक करने हैं तो आप बड़े आसानी से अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आप ले सको, या आपको कभी भी किसी को अगर भेजना है तो सिंपली फोटो क्लिक करिए और भेज दिया। तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो काम है आपके पास वो क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड करना। अगला अपने पास जो इंपॉर्टेंट काम है वो भी इसी से रिलेटेड है, वो क्या भैया, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो मेंशन जीएसटी नंबर ऑन दी बोर्ड, ऑन दी नेम ऑफ दी बोर्ड। तो भैया क्या करोगे, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड करोगे, प्रिंट निकालोगे और उसको जो है आप चिपका लोगे अपने ऑफिस के अंदर, एंड साथ के साथ आप क्या करोगे, जीएसटी नंबर को जो आपकी फर्म का जो बोर्ड है उसके ऊपर मेंशन करवा दोगे। वो क्यों मेंशन करवाओगे भाई साहब,
सी जो रूल है जीएसटी का वो कहता है भैया आपको मेंशन कराना जरूरी है, नहीं तो अगर सर्वे होता है खुदा ना खास्ता तो भैया 25,000 रुपये तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। तो ये चौथा आपका इंपॉर्टेंट काम है। पांचवा इंपॉर्टेंट काम भाई साहब क्या है, पांचवा इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्टार्ट इशूइंग दी इन्वॉइजेज। ऐसा ना हो जीएसटी नंबर तो आपने ले लिया और आप बिना इन्वॉइस के माल भेज दो, तो भाई साहब जितना टैक्स का अमाउंट है उतनी आपके ऊपर पेनल्टी है। कितनी पेनल्टी है साहब, जितना टैक्स का अमाउंट है उतनी आपके ऊपर पेनल्टी है। मतलब जीएसटी नंबर लेने के बाद आप बिना बिल के जो है वो जी माल को अपने को डिस्पैच नहीं करोगे। एंड मेक श्योर, साथ के साथ ये तो है ही है, साथ के साथ आप, मैं अपनी तरफ से एक और बात बता रहा हूँ कि भैया क्या करो, आप इस बात को देखो कि आपकी जो स्टेशनरी है, मान लो आप मैनुअली बिल बनाते हो तो उसके इसके अंदर भैया आपके टैक्स इनवॉइस, लेटर हेड, वाउचर पैड, कैश रिसीप, जो भी आपकी स्टेशनरी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है उसके ऊपर भी जो है अपना जीएसटी नंबर प्रिंट कराओ। मतलब एक तरीके से आपकी जीएसटी नंबर आने के बाद, क्योंकि आप जीएसटी सर्टिफाइड एक तरीके से आप जो है अपना बिजनेसमैन हो गए, पहले जो आप तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, अब आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हो गए हो, तो इस केस के अंदर जो भी आपकी बिजनेस की स्टेशनरी है उसमें अपना जीएसटी नंबर मेंशन करवाना चालू कर दो। और अगर आप टोटली कंप्यूटराइज हो तो फिर तो भैया जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें आप अपना जीएसटी नंबर को फीडिंग करें, देन उसके बाद जो आप इनवॉइस अगर कुछ भी इशू करते हैं तो जीएसटी नंबर आपका प्रिंट होकर आएगा। छठवां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, स्टार्ट प्रोवाइडिंग जीएसटी नंबर टू योर सप्लायर फॉर क्लेमिंग आईटीसी। जिस तरीके से आपके पास जीएसटी नंबर आ गया वो आपने फीडिंग की या अपनी स्टेशनरी के ऊपर प्रिंट करा के अपने इन्वॉइस को इशू करा, ठीक इसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीएसटी नंबर तो आपके पास आ गया पर आप अपने सप्लायर जिनसे कि आप माल को परचेज करते हो उसको जीएसटी नंबर नहीं दिया, वो आपको B2C की तरह ट्रीट कर रहा है और आप वो B2B मतलब आप व्यापारी हो, अगर आपने वहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं दिया तो आप प्रॉपर ITC क्लेम भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो GSTR 1 जब फाइल करेगा तो B2C की तरह ट्रीट करेगा और आप जब उसको क्लेम करोगे तो आपके पास वो आपके पोर्टल में 2A या 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी। तो ये आपके लिए छठवां इंपॉर्टेंट काम है जो आपको जरूर करना है। सातवें इंपॉर्टेंट काम की तरफ हम मूव कर लेते हैं, वो क्या भाई साहब, फाइल ITC 01 टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन स्टॉक ऑफ गुड्स। भाई साहब क्या हुआ, आपने GSTN नंबर लिया पर उससे पहले भी आप व्यापारी थे, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई थी, जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई तो आपने GSTN नंबर ले लिया। जब आपने भैया GSTN नंबर ले लिया तो आपके पास कुछ गुड्स भी पड़ा होगा, आप चाहो तो उस गुड्स की ITC को भी क्लेम कर सकते हो। GST रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप ITC 01 फॉर्म को फिल करोगे, उसी के बिहाफ पे आप अपने स्टॉक की जो ITC है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो ये आपको देखना है कि आपके पास पहले का स्टॉक है या नहीं है, है तो उसकी ITC 01 को आप फाइल करते हुए अपनी ITC को क्लेम कर सकते हो। अगला भैया, चार्ज कलेक्ट एंड डिपॉजिट द GST। भैया जैसा कि आप GST के व्यापारी बन गए, व्यापारी के बनने के बाद आपके कंधों पे कुछ वजन भी आ गया, वो वजन क्या है कि जब भी आप माल बेचोगे तो GST को कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद मतलब पहले तो चार्ज करोगे, इनवॉइसेस के ऊपर चार्ज करोगे, चार्ज करने के बाद कलेक्ट करोगे और कलेक्ट करने के बाद उसको डिपॉजिट करोगे। डिपॉजिट करने का तरीका आप सभी को पता है कि लायबिलिटी आपकी जब नेट लायबिलिटी होती है तब आपको डिपॉजिट करना होता है, मतलब आपकी ITC से ज़्यादा आपकी लायबिलिटी होती है तो आपको कैश में पैसे को जमा करना पड़ता है चलान के थ्रू। अगर आपकी लायबिलिटी कम है, आपकी परचेज मतलब आपकी ITC ज़्यादा है तो आपकी ITC कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। सो ओवरऑल आपको चार्ज करना है, कलेक्ट करना है और डिपॉजिट करना है GST को। नौवां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, ये बहुत जरूरी है कि GST के अंदर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करें। स्टॉक रजिस्टर है, सेल फाइल है, परचेज फाइल है और जो भी GST से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको उनको प्रॉपरली मेंटेन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस कन्फ्यूज़न में रहें कि सेक्शन 44AD के अंदर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करना पड़ता। भैया वो इनकम टैक्स का सेक्शन है, आपने जो GST रजिस्ट्रेशन लिया है वो आपने GST डिपार्टमेंट मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लिया है, इनकम टैक्स वाला डायरेक्ट टैक्स हो गया, वहाँ पे आपका पैन के हिसाब से आपके सारे काम होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने 44AD में रिटर्न फाइल करे हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, पर GST विभाग के अनुसार आपको जैसे ही GST रजिस्ट्रेशन आप ले लेते हो तो भैया आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करना है। कभी भी जब भी आपका केस होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको प्रॉपरली जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दसवां इंपॉर्टेंट जो अपने पास काम है वो क्या भाई साहब, यहाँ पे एर्थ लिखा है पर आप इसको दसवां समझिए, गलती से लिखा हुआ है,
टेंथ इंपॉर्टेंट जो अपने पास काम है वो क्या है भैया, स्टार्ट फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। जब आपने सब कुछ कर लिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया, यूज़र आईडी पासवर्ड आपने बना ली, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लिया, बैंक अकाउंट डिटेल दे दी, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को आपने अपने यहाँ पे ऑफिस में प्रिंट करके लगा लिया, साथ के साथ आपने जीएसटी जो अपना बोर्ड है आपका कंपनी का, जो भी आपने बाहर बोर्ड लगाया हुआ, फ्लैक्स लगाया हुआ, उसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखवा दिया भैया, स्टार्ट इशूइंग इन्वॉइस कर दिया आपने, इसके साथ साथ आपने अपने सप्लायर को भी जीएसटी नंबर दे दिया। अब आप क्या करेंगे भाई साहब, आपने चार्ज करना भी कर दिया, कलेक्ट डिपॉजिट करना है, सारे काम आपने चालू कर दिए हैं, ITC 01 भी फाइल कर लिया है, पर सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल करना। ये मैंडेटरी है, हर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्सन के लिए मैंडेटरी है कि वो जीएसटी की रिटर्न को फाइल करे, चाहे उसने ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द क्वार्टर, ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसने कुछ भी काम नहीं किया है तो भी। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आप मंथली के अंदर हो, आप QRMP के अंदर हो, आप कंपोजिशन के अंदर हो, जिस हिसाब से आप जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन हो उसी हिसाब से आपको अपनी रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न्स के ऊपर मेरे पास प्लेलिस्ट में ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये मेरे को 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ये आप ज़रूर करिए जब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो मैं समझता हूँ आपने सारे पॉइंट को अच्छे से समझ लिया होगा। ये वीडियो देखने के लिए भैया आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।